आज के इस वीडियो में बताएंगे कि सर्विस प्लस से इनकम सर्टिफिकेट किस तरह आप बना सकते हैं। सभी जिला के लिए लाइव कर दिया गया है सर्विस, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस बताने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनाने के लिए सिखाया था, तो आप ऑनलाइन अप्लाई ही कर सकते हैं, ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको ब्लॉक वगैरह कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आवासीय आप ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन पा सकते हैं। इसी तरह आज के इस वीडियो में आपको इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करके ऑनलाइन ही आप ओरिजिनल कॉपी ले सकते हैं, आप ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सर्विस सभी जिले के लिए, बिहार के सभी जिले के लिए एक्टिवेट कर दिया गया, चालू कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए आपको बिहार के इस वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, serviceonline.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर आना होगा। अगर आपका इस वेबसाइट पे पहले से कोई अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन करिए, अगर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो खुद का पंजीकरण क्लिक करके एक अकाउंट जनरेट कर लेंगे। जब अकाउंट बन जाएगा तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तक आ जाओ, उसके बाद लॉगिन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी देंगे, जो रजिस्टर करते हो तो आपने पासवर्ड रखा तो वो पासवर्ड देंगे, इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं तो यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, जो ओटीपी आपको आएगा वो ओटीपी आप यहाँ पे पासवर्ड के रूप में यूज कर सकते हैं, इस कैप्चा को इस बॉक्स में इंटर करेंगे, उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह डैशबोर्ड आपके सामने दिखने को मिलेगा, उसके बाद यहाँ अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करेंगे, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे सर्विस शो कर देंगे, यहाँ पे देखिए 10 ही सर्विस शो कर रहे हैं। उसके लिए यहाँ पे 100 पे क्लिक करके 100 को सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी सर्विस हमको एक साथ शो करने लगे हैं। ठीक है, तो हमको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है, आय प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे बहुत सारे सर्विस है, इसमें खोज लेंगे तो देख सकते हैं 29 नंबर में इस कास्ट हमको इनकम बनाना है, तो इनकम बनाने के लिए यहाँ पे देखिए 35 नंबर में है इनकम सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल। ठीक है, 35 नंबर में जो इनकम सर्टिफिकेट एट सीओ लेवल, सीओ लेवल से सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जब सीओ लेवल से बन जाता है आप डीएम लेवल या एसडीओ लेवल से बना सकते हैं। उसके बाद फॉर्म ओपन हो जाएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जनरल सेलेक्ट करना होगा, मेल या फीमेल जिसका बना वो सेलेक्ट करेगी। उसके बाद यहाँ अभिवादन सेलेक्ट कर सकते हैं, सीओ लगाना चाहते या नहीं लगाना चाहते, मैं कुछ नहीं लगाना चाहता तो यहाँ पर कोई अभिवादन नहीं को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नेम देंगे, जैसे भी अंग्रेजी में नेम लिखेंगे स्पेस देंगे तो यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह का आपको फादर्स का भी नेम देना है, स्पेस क्लिक करेंगे यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा, फुल नेम जिसका बना उसका देंगे, उसके बाद फादर्स का फुल नेम देंगे अंग्रेजी हिंदी में। अगर ये हिंदी आपका सही नहीं आ रहा है स्पेलिंग अक्षर, तो इसको आपको सुधार करना होगा। हिंदी में लिखने के लिए आपको गूगल इनपुट टूल का यूज करना होगा। ठीक है, तो गूगल इनपुट टूल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दीजिए, जैसे लिंक पे क्लिक करें कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करके आपको हिंदी में सेलेक्ट कर लेना हो। जिस तरह आप यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे हिंदी में कन्वर्ट करके आपको कई सारे ऑप्शन दे देंगे, जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपको फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम देना होगा, उसके बाद हस्बैंड का देना चाहिए जैसे जिसका शादी होगी उसके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर देंगे, उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी दे सकते हैं, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी देना जरूरी नहीं है लेकिन दे देंगे तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका स्टेट हो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो यहाँ पे देख सकते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट अवेलेबल है, तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूँगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी अनुमंडल होगा अनुमंडल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ अपना प्रखंड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपके जो घर हैं वो नगर पंचायत के अंदर आते या नगर निगम या नगर परिषद किसके अंदर आते वो सेलेक्ट करेंगे, ग्राम पंचायत को मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। तो उसके बाद वार्ड संख्या यहाँ पे देंगे, जो भी आपको वार्ड संख्या होगा उसका, तो जो भी आप यहाँ पे जैसे कि आप प्रखंड सेलेक्ट करेंगे उसके बाद जो पंचायत, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रखंड में जितनी पंचायत वो सारे आपको यहाँ पे शो कर जाएंगे, तो देख सकते हैं जो भी आपका पंचायत हो इसी तरह आपको पंचायत जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट करेंगे। पंचायत सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपका पंचायत गांव का नाम देना होगा, उसके बाद यहाँ पे डाकघर का, उसके बाद जो भी आपको पुलिस स्टेशन होगा वहाँ यहाँ पे अपना पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर देना होगा। अगर आधार नंबर देंगे तो आधार के साथ वेरीफाई करना होगा ओटीपी डालकर, तो आधार नंबर को आप खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज की फोटो आपको अपलोड करनी होगी, तो इस वाले पे क्लिक करके फोटो को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पैसा आपको देना होगा, आप क्या करते हैं, स्टूडेंट है या सरकारी नौकरी निजी व्यापार क्या है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा उद्देश्य पर किस लिए आप बना रहे, एडमिशन के लिए बना रहे तो यहाँ पे एडमिशन देंगे, किस लिए बना रहे वो यहाँ पे देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा सरकारी आय आपकी क्या वो देंगे, कृषि से आने वाली आय क्या, व्यापारी से आने वाली आय क्या वो देंगे, और अन्य स्रोत से आने वाली आय आपका
क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने हिसाब से देंगे। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे कुल आपका जो आय होगी वो आ जाएगी। उसके बाद नीचे आप स्वघोषणा पत्र है इसको आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आय अग्री यहाँ पे रहेगा और इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो डिटेल आपने पीछे फिलअप किया वो सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। इस पूरी डिटेल को आप चेक करेंगे। उसके बाद अटैच पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना हो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट के रूप में यूज करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करके उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार कार्ड अपलोड हो चुका है। ये डिटेल आप फिर से जाँच कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको ये रिसिप्ट, इस तरह का रिसिप्ट मिल जाएगा जिसपे आपको एक डेट दिया रहेगा। इस रिसिप्ट पे एक डेट दिया होगा सेवा प्रदान करने की तिथि, तो उस तिथि से पहले ये आपको जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो मिल जाएगा। अपनी सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर गेट डाटा पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी मैंने अप्लाई किया उसका स्टेटस। अगर ये आपका ये सर्टिफिकेट जेनरेट हो जाता है, बन जाता है, तो यहाँ पे डिलीवरी दिखा देता है। इस डिलीवरी पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट आप आय प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे आज के इस वीडियो में आपने सर्विस प्लस से बिना OTP का आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करना सीख गए। पिछले वाले इस वीडियो में आप देखकर आवासीय प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना सीख जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको जाति प्रमाण पत्र के बारे में बताने जाऊँगा। ठीक है, उम्मीद करेंगे छोटा सा वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।